सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियोस में। इसमें आपको हर टाइप की वीडियोस मिलेंगी, आपकी स्टडी रिलेटेड से, किसी भी प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ भी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी वीडियो चलो तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर करिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी मेरे पुराने वीडियो से क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करें और आप क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, जिसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। वहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने जिन जिन बच्चों ने इग्नू में एडमिशन ले लिया है जनवरी सेशन में, तो उन्हें मार्च और अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे कैसे आप फाइल बना सकते हैं असाइनमेंट के, तो मैंने उसके भी लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे फाइल बनानी है, आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको फाइनल टिप बता रहा हूँ कि पूरे प्रिपेयर जब फाइल हो जाती है तो कैसी लगती है फाइल, और कैसे सबमिट करनी है, क्या क्या लिखना होता है, और क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनल पॉइंट दिखा रहा हूँ आपका प्रिपेयरिंग फाइल का, जो पूरी एंड हो रखी है फाइल। तो आज मैं उसके पूरा रिव्यू दिखाऊंगा उस फाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जब हमारी फाइल जैसे बन जाएगी तो कुछ ऐसी लगेगी हमारी फाइल, देख सकते हैं ऐसी, जो जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि कौन कौन सी फाइल लेनी है, तो ये वही फाइल है। ये पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कैसे कैसे इसमें करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फ्रंट पेज। आपको जैसे कि फ्रंट पेज दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर, ये हो गया हमारा, जैसे कि हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमारा नेम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, फिर हमारा एक एड्रेस आएगा, फिर लास्ट में डेट आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी बोल्ड लेटर में लिखना है, आप इसे स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। फ्रंट पेज को देखिए, आप ऐसे लिखिए, आप क्लियर लिखिए और गैप छोड़ छोड़ के लिखिए, जिससे दिखने में अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट पेज जैसे स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ऐसा होगा हमारा कुछ ऐसा। आप A4 साइज शीट लें, जो मैंने आपको बताया था कि आपको A4 साइज शीट लेनी है, वो बेटर होगी, ज़्यादा बेटर होगी हमारे लिए। तो उस पर ऐसे ऐसे असाइनमेंट आप करें, और पेज नंबर आप ज़रूर लिखें। ये देख सकते हैं, ये A4 साइज शीट है, ये बेटर है आपके असाइनमेंट के लिए, इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये री शीट, ये कंप्लीट फाइल है, थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी लिखे, ये कंप्लीट फाइल है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप ब्लू और ब्लैक पेन कंपास यूज करें, और एक हाईलाइटर का, हाईलाइटर मींस जैसे कि मैं आपको हाईलाइटर दिखा, तो ये हमारा हाईलाइटर होता है, ये रहा, जैसे कि कोई मेन पॉइंट्स हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इससे भी जो एग्जामिनर होते हैं, जो असाइनमेंट चेक करते हैं, वो आपको मार्क्स देंगे। जैसे ये, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके MCQs टाइप क्वेश्चन हो, तो आप पहले उस क्वेश्चन को लिखे ब्लैक पेन से, फिर आप पॉइंट लेके, 4 पॉइंट होते हैं, ब्लू पेन से लिखें, फिर आप जो उसका कोई आंसर होगा तो आपको उसे ब्लैक पेन से टिक करना है, फिर उसका आंसर आप नीचे भी लिखें और उसे हाईलाइट से हाईलाइट कर दें, हाईलाइटर से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हाईलाइटर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस फाइल में। और ये भी बात है फ्रेंड्स, अगर जैसे आपका एक पेज कंप्लीट हो गया, तो आप नीचे ये एंडिंग पॉइंट डाल सकते हैं, डैश क्रॉस डैश क्रॉस, ये भी सही होता है, जैसे जो असाइनमेंट चेक करता है उसे लगेगी कि हाँ कि ये पेज कंप्लीट हो गया है, तो ये भी ज़रूरी है चीज़, तो ये भी करें आप। इसके नीचे भी देखिए, ये भी ज़रूरी है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो असाइनमेंट वाले भी देखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से मटेरियल इस असाइनमेंट में बनाने में यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जो आप स्केल से ये मार्जिन लाइन खींचना पड़ता है आपको, उसके आगे, उसके बाहर आपको क्वेश्चन वन, नंबर वन, फिर आंसर लिखना होता है, स्केल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आगे आपका इसमें एक ब्लू पेन, जो आप ब्लू पेन से आप आंसर को लिखेंगे, ब्लू पेन का एक रोल है। फिर आपको चाहिए एक ब्लैक पेन जिससे आप क्वेश्चन लिखेंगे अपना,
ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको चाहिए इरेजर, तो ज़रूरी होता है जैसे आप लाइन खींचे तो इरेजर इरेज करें, शार्पनर भी, पेंसिल हो चाहिए। फिर एक आप एक पेंसिल लेंगे जिससे आपको ये मार्जिन लाइन खींचेंगे, पेंसिल से खींचे आप बस, पेंसिल ना खींचे। फिर मैंने एक दो स्केच पेन बस यूज़ किए हैं जो फ्रंट पेज बनाने में बस यूज़ किए हैं, और कहीं यूज़ मत करें, ब्राउन और ब्लू, जिससे मैंने ब्राउन से मैंने ये कोड वगैरह लिखे हैं बोल्ट में, और ब्लू से मैंने अंडरलाइन किए हैं फ्रेंड्स। तो और एक मेन पॉइंट है हाईलाइटर, जिससे मैंने देख सकते हैं, जिससे मैंने इन्हें हाईलाइट किया है, आंसर्स को और मेन मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वही छोटी छोटी चीज़ ज़रूरी होती है फाइल में बनाना, कि मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है फाइल में कि कैसे आप फाइल बनाएं, और भी मेरी पुरानी वीडियो है फाइल कि कैसे कौन कैसे कैसे फाइल बनाएं, कौन कौन से पेजेस यूज़ करें, वो उसका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप ऐसी ही फाइल बनाएं अच्छे से, और फाइल जब आप बना ले फाइल, तो इसको आप फाइल को दो तीन बार चेक करें कि कहीं कुछ छूटा ना हो, कोई क्वेश्चन ना छूटा हो, कोई किसी का आंसर कोई कहीं मिस्टेक ना हुआ हो। आपको सेशन भी लिखना ज़रूरी होता है, जैसे सेशन लिखा ऊपर ये रहा, जैसे ये सेशन भी लिखना ज़रूरी होता है, ये भी लिखें आप अच्छे से, और अच्छे से नीट एंड क्लीन फाइल बनाएं, ठीक है। और आप इस फाइल का यूज़ करें, स्टिक फाइल का ना यूज़ करें, अगर स्टिक फाइल आप यूज़ करेंगे तो पेज निकल जाएगा, तो इस फाइल यूज़ करें, और A4 साइज पेपर का यूज़ करें आप। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स उसे आप शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो मेरे पुराने वीडियो से, तो आप जाके मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके मुझे फॉलो करो, क्वेश्चन लीव करें तो फ्रेंड्स, और आप अच्छे से असाइनमेंट बनाएं, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, अच्छे से बनाएं असाइनमेंट, गुड बाय, टेक केयर।